नमस्कार, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में शो में एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। जी हाँ दोस्तों, लॉकअप शो बनने वाला है और भी इंटरेस्टिंग। दरअसल आपको बता दें कि शो में इन कैदियों का होगा इंटरोगेशन और लाइव ऑडियंस पूछेगी सवाल, जिनका कंटेस्टेंट्स को देना होगा जवाब। दरअसल शो के मेकर्स ने शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, जिसके चलते शो में दिखा कंटेस्टेंट्स का इंटरोगेशन सेगमेंट, जहां ऑडियंस हर बात और हर कंफ्यूजन को लेकर कंटेस्टेंट से करेगी सवाल और कंटेस्टेंट्स भी सबके सामने देंगे उन सवालों के जवाब। अब भाई ये सवाल जवाब का सिलसिला जमकर हमारे पेट में उथल पुथल मचा रहा है। तो खैर चलिए आपको बताते हैं ये सारा माजरा। शो के मेकर्स ने कैदियों का करा दिया इंटरोगेशन, जिसमें कंटेस्टेंट मुनव्वर की गलतफहमी हुई दूर। फैंस ने कंटेस्टेंट से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूछे सवाल। रियलिटी शो लॉकअप में फ्राइडे के एपिसोड में कुछ नया हुआ, जहां पर उनको यार्ड एरिया में बुलाया गया और बोला गया कि उनका इंटरोगेशन होने वाला है, जिसके बाद लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे लाइव ऑडियंस सवाल करेगी। ऐसे में स्क्रीन पर शो के फैंस और बाकी ऑडियंस ने कंटेस्टेंट से लाइव सवाल किए। बाहर के लोग सीधा कैदियों से जुड़े और उनसे सवाल किए। एक के बाद एक करके ऑडियंस ने सबसे सवाल किए, जिसमें सबसे पहले नंबर आया मुनव्वर का और मुनव्वर से पूछा गया कि वो साइशा और पायल को इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर करणवीर को लेकर मुनव्वर के कान भरे थे, जिसके बाद मुनव्वर ने भी एक्सेप्ट किया कि करणवीर के खिलाफ उनके कान भरे गए थे और वो कन्विंस भी हो गए थे। इसके बाद करणवीर ने सफाई दी कि असल में उन्होंने कहा क्या था, जिसके बाद मुनव्वर को पता लगा कि करणवीर ने कहा कुछ और था लेकिन उनको बताया कुछ और गया। लेकिन मुनव्वर ने तब सफाई दी कि मैंने सुनी सबकी पर की अपने दिल की, मैंने कोई एक्शन करणवीर के खिलाफ लिया ही नहीं। इसके बाद ये देखा गया कि ऑडियंस के सवालों के बाद मुनव्वर की गलतफहमी दूर हो गई। इसके बाद बारी आई पूनम की, जिनके लिए ऑडियंस ने बोला कि वो चिल्लम चिल्ली करती रहती हैं, गालियां देती हैं, लेकिन इससे अलग वो अपना गेम कब दिखाएंगी। तो पूनम ने अपनी सफाई में कहा कि वो अपना गेम दिखा रही हैं और टास्क में बेहतर परफॉर्म करती हैं। पूनम सबको टास्क में मोटिवेट करती हैं। इसके बाद साइशा और मंदाना से भी सवाल पूछा गया और उन्होंने भी अपने अपने सवाल का जवाब दिया। इसके बाद सवाल आया अंजलि और मुनव्वर के रिश्ते को लेकर, जो कि हाल ही में काफी ट्रेंड कर रहे हैं। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों को लोग प्यार का नाम दे रहे हैं और जिसके चलते वो दोनों सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। तो बस इस सवाल के बाद अंजलि ने अपना दिल खोल कर रख दिया और उन्होंने कहा कि वो मुनव्वर को पसंद करती हैं। इसके साथ ही अंजलि ने कहा कि आगे उनकी लव स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके ठीक बाद जब अंजलि और मुनव्वर बात करते नजर आए, तो दोनों को बोलते देखा गया कि हम एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं और हमारा बाहर कनेक्शन भी है, तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुनव्वर और अंजलि की लव स्टोरी अगर शो में शुरू भी होती है तो वो दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं होगी। तो वहीं इस लाइव कॉन्फ्रेंस में जहां दर्शक डायरेक्ट कैदियों से रूबरू हुए, इसके बाद काफी चीजें बदल भी सकती हैं। जैसे किसी का गेम अप हो सकता है तो किसी का गेम बिगड़ भी सकता है। खैर ये देखना दिलचस्प होगा कि लाइव इंटरोगेशन के बाद लॉकअप में आखिर क्या क्या बदलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।